तुम लोगों को उस दिन क्या बताया था? अभी कल परसों ही तो बताया था। क्या बताया था? हाँ, एग्जीक्यूटिव बताया था, लेजिस्लेटिव बताया था और जुडिशरी बताया था ना। हमने क्या बताया था? अगर आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति से चलो 78 तक, इसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आ जाते हैं, परिषद वगैरह है। और 79 से बताए होंगे 123 तक, पार्लियामेंट से लेकर ऑर्डिनेंस तक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस जो है लेजिस्लेटिव वर्क है। और फिर बताए होंगे 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी। और फिर इसी के साथ सीएजी की जो चर्चा किए होंगे उसमें बताए होंगे 148 टू 151। क्यों ये जो बताया था ना, ये हमने कहा था यूनियन का है। और स्टेट को क्या कहा था? क्यों हमने बोला था संविधान को सेमेस्टराइज कर लो, तोड़ दो 52 से 151 52 to 151 संघ का संविधान बोले। फिर उसके बाद हमने कहा स्टेट आर्टिकल 152 में जाओगे एक जनरल डेफिनेशन मिलेगी, 153 में जाओगे गवर्नर मिलेगा, जैसे 52 में एक राष्ट्रपति मिलते हैं वैसे 153 में गवर्नर मिलते हैं। और यहां से यहां भी एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेटिव होगा और जुडिशरी होगी। अगर इन दोनों को कंबाइंड आर्टिकल में देखो तो 152 to 213 जहां ऑर्डिनेंस पास होता है, हैं? जैसे इन दोनों को कंबाइंड कर दो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को तो 52 से कहां तक गए? 123 तक। ये यहां पर आ गए स्टेट में, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को क्या किया आपने? 152 से चले और 213 वही है जो मैंने बोला था 123 में, वहां सत्र नहीं होने की स्थिति में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अध्यादेश इसको बोलते हैं, और यहां गवर्नर, और ये लेजिस्लेटिव वर्क। और जुडिशरी को क्या बोले थे? 214 to 2 कोर्ट कचहरी सब। हमने क्या पूछा अभी तुम लोगों से? 237 तक क्या है? तो तुमको क्या बोलना था? हाई कोर्ट है, कचहरी है, लोअर कोर्ट उठ है ना, सब ऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह, ठीक है? अभी बता दिया ना, अब कल क्लास में पूछेंगे तो फिर इधर उधर ताकना, कहीं पंखा देखना, कहीं हमको देखना, कभी इधर उधर देख लेंगे। तुम लोग खुद नहीं देखते घर में, पता नहीं छुट्टी में क्या किए संडे। ये है। अब इसके बाद हम बता रहे हैं, दो चीज पढ़े आप, यूनियन पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर, ये सब बजट बजट ये करते करते गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट लोअर कोर्ट को पढ़ाया गया, फिर मुख्यमंत्री गवर्नर ये हो गया, विधानमंडल ये सब। तो इस तुम यहां तक आए ना, ये पहले आ गए थे। एक और मामला है यूनियन टेरिटरीज का, उसी का 239 में बता रहे हैं। कितने स्टेट हैं? 28 यूनियन टेरिटरीज, 9 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन से हैं 9? गिनाओ मुझे।
नाम बताओ। जम्मू कश्मीर है, ठीक है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, हाँ, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया ना, तो अब दो नंबर लो उसको। चलो पहले अरब सागर में, अरब सागर में क्या है? ए लड़की देख इधर, अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। और इधर बंगाल की खाड़ी में दो हो गए, फिर चल उसी से लगा हुआ पुदुचेरी तीन हो गए, फिर आओ इधर पश्चिम की तरफ क्या मिलेगा? जिसको एक कर दिया अभी जो नाम ले रही है, कितने हो गए? चार। फिर ऊपर चढ़ो दिल्ली मिलेगा, पांच, सेमी स्टेट है बट पांच, और छह, और लद्दाख, और आठ। नवा बताओ कौन सा है? नवा बताओ ना, नवा कोई जोड़ कोई दिख रहा है अभी? कहीं नवा है कहीं पे? हाँ चला, नवा नहीं है। हाँ कंबाइंड हो गया वो जो दादर नगर हवेली और वो कंबाइंड करने से बोल रही है। पहले कितना था? कंबाइंड हो गया तो बता रही, ज्यादा हो गया। अरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो बढ़े, पहले सात यूनिट टेरिटरी थे, दिमाग खोल के रख लो, पहले कितने थे? सात यूनिट टेरिटरी, ठीक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो बढ़े, कितने होने चाहिए? नौ। लेकिन दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप को क्या किया आपने? उसको दमन दीव को क्या किया आपने? मिला दिया, एक घट गया तो कितने हुए? कुल आठ। और तेलंगाना बनने के बाद स्टेट की संख्या हुई थी 29, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2019 आपने जब यूनियन टेरिटरीज और लद्दाख के बना दिया तो एक स्टेट फुल फ्लेज घट गया, तो वो हुए कितने? 28। तो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, उसी के एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा कर रहे हैं हम। राष्ट्रपति अपना अपने अधिकारियों के जिस सीमा तक अपना वहां शासन करता, आर्टिकल 239(1) लिखा है। अब आर्टिकल 239(2) में लिखो क्या लिखा है, लाइन बदल दो, लिखो अ गवर्नर ऑफ स्टेट में आल्सो बी अपॉइंटेड, अ गवर्नर ऑफ स्टेट में आल्सो बी अपॉइंटेड बाय हिम एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज, एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती, किसी निकटवर्ती लिख लीजिए, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। वेयर अ गवर्नर इज सो अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर, वेयर अ गवर्नर इज सो अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द यूनियन टेरिटरीज, क्या मतलब? जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जा सकता है,
जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जा सकता है। इसी में एक लाइन और जोड़ा जोड़ लीजिए, He shall exercise his functions as such administrator independently of his council of minister। यह बात लिखी है आर्टिकल 239(2) में। इसका हिंदी में मतलब इस तरह निकलेगा, वह अपने कार्यों का प्रयोग अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा, ठीक है ना। इतना कंसेप्ट बना कुछ हाँ? अभी हमने बता दिया, आपको थोड़ा आसान लगा होगा, इसको बता रहे हैं 3-4 दिन आप मत देखिए, आप वहीं खड़े मिलेंगे। क्लास की पढ़ाई को उस गढ़ाई से तुलना करना, क्लास का मास्टर यानी हम जैसे पुराने थोड़े हो गए, बहुत पुराना तो मान ही सकते हैं आप लोग, क्यों पुराना मानने में कोई दिक्कत है आपको? ठीक, लाइन बदलो, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर, हेडिंग बनाओ क्रिएशन ऑफ, अभी समझ जाओगे मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर यूनियन टेरिटरी, फॉर यूनियन टेरिटरी, कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन, कुछ राज्यों के लिए, कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषदों का काउंसिल का सृजन करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उदाहरण दे सकते हो, ऐसा कोई यूनियन टेरिटरीज है जहां पर विधान सभा और विधानमंडल और मंत्रिपरिषद है, दिल्ली, ओके, और बताओ, दिल्ली और गुड, अब उसको पुदुचेरी बोलते हैं यार, पांडिचेरी हो रही, अब नहीं बोलते। लिखो आर्टिकल 239, अगर कोई यूनियन टेरिटरीज में विधानमंडल बनाना, मंत्रिपरिषद बनाना, तो उसके लिए आर्टिकल 239 इंटरेस्टेड बाय द इंसर्टेड, लिखो ज्यादा अच्छा वर्ड, इंसर्टेड 239A कर देना, क्या लिखे हो ये, ए करो 239A, आर्टिकल 239A इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लिखो ब्रैकेट में, लिखो 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, 14th अमेंडमेंट को ब्रैकेट में कर लो, एक्ट 1962 empowers the parliament to create by law for the union territories
यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुदुचेरी अनुच्छेद 239 का संसद को विधि द्वारा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए, वैसे उस समय पांडिचेरी शब्द था, ब्रैकेट में पुदुचेरी के साथ पांडिचेरी लिख रहे हैं, और पुदुचेरी पांडिचेरी संघ क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों को सृजन करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे लिखो कामा वेदर इलेक्टेड आर पार्टली नॉमिनेटेड, इलेक्टेड आर पार्टी नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड टू फंक्शन एज अ लेजिस्लेचर फंक्शन एज अ लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन इलेक्ट फॉर द यूनियन टेरेटरीज आर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर काउंसिल ऑफ आर मिनिस्टर्स आर बोथ विथ सच कॉन्स्टिट्यूशन विथ सच कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का सृजन करने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसा विधानमंडल निर्वाचित, ऐसा विधानमंडल निर्वाचित या भागतः पार्टली पार्ट में भागतः नाम निर्देशित व भागतः निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा आगे इसमें इसी में कि सच लॉ शैल नॉट बी डीमेड, सच लॉ नॉट बी डीमेड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन an amendment of the constitution for the purpose of article 368। ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, नहीं समझे, इसे संविधान का संशोधन नहीं समझा जाए। आगे लिखो पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमुलेगेट ऑर्डिनेंस, प्रोमुलेगेट ऑर्डिनेंस, जिसको यूपीपीसीएस का फॉर्म भरना है अपना देख लो, है ना, हाँ भैया, अंडर आर्टिकल 3239B डैश करके लिखो,
द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी, देखो पांडिचेरी संघ राज क्षेत्र यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी इज एम्पावर्ड टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस when the legislature is not session. लिख लीजिएगा पांडिचेरी राज्य क्षेत्र का विधानमंडल सत्र में नहीं है और प्रशासन को ऐसा समाधान हो जाता है, कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान, लेजिस्लेचर इज नॉट सेशन, हाउएवर नो सच ऑर्डिनेंस, नो सच ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमुलगेटेड विदाउट द पूर्व को क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्व पहले प्रायर बोलते, प्रायर प्रायर परमिशन, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रशासक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश ला सकते हैं जो उन परिस्थितियों में जरूरी है। मगर राष्ट्रपति से पूछा गया हो पहले, समझ गए नहीं, अनुमति ली गई, ये कहां लिखा है बच्चा 239। सुनो, इसलिए हम अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली जो है ना, दिल्ली स्टेट बाद में बना, विधानमंडल वगैरह दिल्ली में बाद में बना, तो पुदुचेरी पहले था तो पुदुचेरी की चर्चा कर रहे हैं। अब हम दिल्ली का लिखें, स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली, स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली, ठीक है, इसमें जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध लिखिए, अब जैसे 239 एक इसमें था पांडिचेरी के लिए, सुन लो भूलना मत, 20 दफा अभी अभी बता देंगे, हाँ समझ में आ गया, उसके बाद 4 दिन के बाद सब खत्म। 239 अरे यार ए, किसके लिए था, पुदुचेरी, और 239 ए ए ये किसके लिए है, हाँ लिखो डबल ए, पुदुचेरी के लिए कौन सा अमेंडमेंट था, गुड, कौन सा ईयर था, ठीक है, कोई कमी है, लिखो द कॉन्स्टिट्यूशन
69th ब्रैकेट में लिखो 69th अमेंडमेंट ब्रैकेट बंद एक्ट 1991। तो इसमें इसको पूरा करो, संविधान के 69वें यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में दो नए आर्टिकल एक्ट 1991 एडेड टू न्यू आर्टिकल, आर्टिकल 239 ए एंड आर्टिकल 239 ए बी, जोड़े गए 239 क और 239 क ख जोड़े गए 239 ए बी टू कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे लिख अंडर दीज आर्टिकल द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, लिखो अंडर दीज आर्टिकल द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज बीन गिवन अ स्पेशल स्टेटस, जिसके अधीन दिल्ली को नया राज्य का दर्जा दिया गया, नया दर्जा दिया, एक नया दर्जा दिया गया, राज्य में दर्जा दिया गया। आर्टिकल 239 ए डैश करके लिखो, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली शैल बी कॉल्ड Union Territories of Delhi shall be called the shall be designated as the लिखो आर्टिकल 239 यह कहता है कि संघ राज्य से दिल्ली अब आप राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र क्या बोलेंगे इसको, नेशनल एनसीआर नेशनल कैपिटल है ना रीजन, एज द एनसीआर ठीक। इसमें बच्चा आप जाओगे तो 239 इसी में लिख देना एंड एडमिनिस्ट्रेटर एज द डिप्टी गवर्नर, या क्या बोलते हैं उसको उपराज्यपाल को क्या बोलते हैं, यही तो बोलेंगे ना, एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, हाँ लेफ्टिनेंट ही होगा एलजी ना, एलजी नियुक्त होता है दिल्ली में, उपराज्यपाल बोलते हैं, लेफ्टिनेंट ही है। ठीक आर्टिकल 239 ए है ना डैश करके लिखो, क्रिएट लेजिस्लेटिव असेंबली 239 ए क्या सृजित करेगा, विधानमंडल विधानसभा, लिखो एक हेडिंग बनाओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दिल्ली में बच्चा कितने मंत्री होते हैं,
है ना, कितने मंत्री होते? दस, दस नहीं, कितने होते? सत्तर तो विधायक हैं, कितने होंगे? दिल्ली में सिर्फ हो सकते हैं चौथे, वैसे 15% 15% जो है आप रख सकते हैं विधानसभा के सदस्य की संख्या के हिसाब से मन, ठीक है। जैसे 15% उत्तराखंड में, जैसे पार्लियामेंट में 543 सीट की तुलना में 15% ही मंत्री हो सकते, पहले ऐसा नहीं था। कल्याण सिंह वगैरह मुझे याद है मुख्यमंत्री थे तब उत्तराखंड नहीं बना था, तो 425 सीट में थे, 25 सीट है, 430 ऐसी थी। उसमें 100-100 मिनिस्टर बना लेते, हाँ, चर्चा असंतुष्ट करने वालों को भी सब मिनिस्टर, जैसे बेसिक शिक्षा का मंत्री, माध्यमिक शिक्षा का मंत्री, हायर एजुकेशन का मंत्री, अनौपचारिक शिक्षा का मंत्री, मैंने देखा ये सारे मंत्री थे। लगा कि यार मंत्री उंत्री लेता है, गाड़ी बंगला घोड़ा सब सुविधा लेता है, तो ये ज्यादा मिनिस्टर ठीक नहीं है, 15% की है। तो आप इसमें लिखेंगे मिनिस्टर्स में, वैसे यहां पर 10% है दिल्ली में, दिल्ली में 10% है, बाकी जगह 15%, तो 70 में देखें तो 7 ही बन सकते हैं, है ना। लिखिएगा कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10% केजरीवाल पे भी दिक्कत चल रही है दिल्ली में, पढ़ते हैं ना, हमें लगता है यार उसको भी जेल में डाल दिया। एक तो इनके जितने भी लोग जाते हैं जेल में छूट नहीं रहे हैं, जेल जाते हैं आते नहीं है, पता नहीं ऐसा कौन सा अपराध किए हैं कि कोर्ट भी इनको जमानत नहीं देता है। भाई मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में पड़े हैं लगभग, और संजय सिंह भी चले गए जेल, केजरीवाल भी जेल जाने का मुझे डर लगता है, वो भी जेल जाएगा। हाँ हाँ, अब पता है आपको ईडी के बारे में, आपको पता है नहीं, गवर्नमेंट तो बॉडी है ही, इसका कन्वेंशन जो रेट है वो क्या है, मतलब आपको डेटा देंगे तो आप हतप्रभ रहेंगे, ईडी परेशान करता है खमका, 5,000 से ज्यादा के केसेस में, अब तक 5,000 लोगों के केसेस में सिर्फ 25 लोगों को सजा हुई, 96% खामखा परेशान। इसका जो कन्वेंशन रेट है पॉइंट में है, पॉइंट में सजा पाने वाले पॉइंट में, 5,000 की तुलना में 24-25 जोड़ो 0.04 आएगा ऑलमोस्ट, और कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ईडी उडी तो वो देख रहे होंगे, पश्चिम बंगाल गए सर और फोड़ दिए, बहुत मारा, असल में सही पकड़ रखो ना, जैसे इनकम टैक्स के लोग हैं छापा पर मारते हैं करोड़ों रुपए बरामद भी करते हैं, अब इनकम टैक्स के लोग चले जाएं किसी झुग्गी झोपड़ी में छापा मारे हुए, मतलब यार पेट्रोल पानी भी खराब कर रहे हो तुम,
नहीं वो तो होता ही है, वो तो है ही, वो तो जाहिर सी बात है। थोड़ी जो मौजूदा सरकार है ना, वो थोड़ा विरोधियों के लिए थोड़ा अग्रेशन उनका जो है, राम राम दंड भेद कैसा भी है, मतलब इनको उभरने नहीं देना, जिसको विरोधियों का दबाव हम नहीं देखते। वो तो विरोध कर रहे थे, तुम क्यों भेजेंगे? अम्मा को दे दिए साथ में, जैसे एक न्योता आता, दो लोग खाने चले जाते हैं, ऐसे चले जाएं, अब अलग से क्या कार्ड भेजे। क्या कार्ड में है? इसको पूरा करिए। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10% सदस्य मिलकर बनेगी, और ये जो है आप वही तरीका है जैसे कि होता है जनरली, ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ आप द टोटल मेंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली विथ विद द चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ जितना भी लोग विधानसभा में जो सदस्य हैं, चीफ मिनिस्टर से 10% लोग बने, ये कहने का ठीक। काम किसकी सलाह पे करेंगे? लिखें लिखें अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माना यही जाता है यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर राष्ट्रपति अपॉइंट, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ बिटवीन लिखे इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन मिनिस्टर इफ लगा लो इफ के साथ यदि मंत्रियों के बीच मतभेद हो देन एलजी सेंड और इनफॉर्म टू प्रेसिडेंट, समझ गए? तो ये किसको भेजेगा बताएगा? प्रेसिडेंट को बताएगा। देखो आर्टिकल 239B, आर्टिकल 239B BB हाँ 239B तो लिख ली, लिख एक और लिख ली भाई, ए बी छोड़ बी लिख। अब प्रोविजन ऑफ NCR
या ऐसा लिखिएगा, थोड़ा सा इसको और अच्छा कर देते हैं, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239B, इंग्लिश में ऐसा बनाओ, थोड़ा सेंटेंस अच्छा कर देते हैं, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239B शैल सो फार एज मे बी अप्लाइड, सो फार एज मे बी अप्लाइड इन रिलेशन टू द नेशनल टेरिटरीज NCR, the governor and the legislative assembly as they apply in relation to the union territory of Pondicherry. इसका छोटा सा हिंदी भाव यह है कि 239B के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में लागू हैं। न्यायालय लिखो इसका, तो इसका कोर्ट लिखो, दिल्ली का अपना न्यायालय है मालूम है कि नहीं, आर्टिकल 241, कौन न्यायालय स्थापित करेगा, पार्लियामेंट करेगा, लिख लो दिल्ली एज अ हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली में उच्च न्यायालय है, दिल्ली में उच्च न्यायालय है, ठीक है, और इसको वैसे ही पावर है बच्चा जैसे अदर हाई कोर्ट को है, हर हाई कोर्ट के अपने एक जुरिडिक्शन, ठीक है ना, उसी तरीके से इसको भी एक जुरिडिक्शन मिला होगा। इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, लिखिएगा, लिखे दीज प्रोविजन शैल बी क्या, ऐसा लिखे छोड़ उसको, एवरी हाई कोर्ट ऑथराइज्ड, प्रत्येक उच्च न्यायालय की अधिकारिता, ऑथराइज लिख सकते हैं, अथॉरिटी ब्रैकेट में लिखें, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, डैश करके लिखें, जनरल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दिल्ली हैज सेम पावर, समझ गए कि नहीं, हाँ, हैज सेम पावर, ठीक है ना, दोनों सेम पावर रखेंगे,